आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से, वरुण गुप्ता जी से। और मैं आपको बता दूँ, हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल बेस्ट लुक का अवार्ड से भी नवाजा गया। और आपको बता दूँ, ये जम्मू कश्मीर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है मिस्टर इंडिया में, इनको सेकंड रनर अप का भी खिताब मिला है। आपका स्वागत है सबसे पहले यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने शुरुआत की मल्टी टैलेंटेड इसलिए है, ये गिटारिस्ट भी है, सिंगिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत ही हम इनकी गिटार भी बजाएंगे, ये सिंगिंग भी करेंगे सभी व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, आप बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है। आप जो भी दर्शकों के लिए डेडिकेट करना चाहिए आप कर सकते हैं। दर्शकों के लिए वो तो बहुत सारे हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, तो सभी के लिए तो कोई बात नहीं। चलो ओके। सफर तू करती रहे हर एक सांस में उभरती रहे, शामो सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जा एक है। ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी। थैंक यू। बहुत बढ़िया गायन है आप, तो आप जान ही चुके होंगे मल्टी टैलेंटेड क्यों मैंने इनको कहा। मुझे बताइए सबसे पहले शुरुआत आपने किसकी की, मॉडलिंग की सिंगिंग की एज ए गिटारिस्ट? मैं आज से 3 साल या 4 साल लगा लो आप, 4 साल पहले मैं सिंगिंग ही करता था एंड मैंने गिटार सीखा था स्ट्रिंग से, द स्ट्रिंग्स। मैं मेरे गुरु हैं नरेश शर्मा सर, मैंने उनसे सीखा था 2-3 या 4 साल पहले। तो सिंगिंग की ओर किस तरह से रुझान बढ़ा था आपका? मैं पहले से ही सिंगिंग करता था, तो पापा को किसी ने बोला था कि गिटार सिखाओ इसको, ये है वो है, गिटार से ज़्यादा होता है आजकल ट्रेंड है, तो इस वजह से मैंने गिटार सीखा। तो उसके बाद तो मेरी सिंगिंग भी इम्प्रूव होती गई थोड़ी थोड़ी। तो फिर जिस तरह से आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लड़के थे, लड़कियाँ थी, तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो वो बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वैसा होना चाहिए, आपको करने वाले होने चाहिए जी। दैट्स इट। तो ये ड्रीम्स प्रोडक्शन द्वारा करवाया गया था, ये कहाँ पे हुआ था और कितना समय लगा था इस सब में, पूरे प्रोसेस में? ये पूरे प्रोसेस में हमारा जो ऑडिशन हुआ था, आई थिंक मई में हुआ था, हमारा ऑडिशन जम्मू में ही हुआ था, रमाडा में हुआ था। तो मेरे को सेमीफाइनल की टिकट मिली थी वहाँ से, तो सेमीफाइनल की जब टिकट मिली थी मुझे, तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत खुश हो गया था कि ये कैसे हो गया। तो मैं जयपुर के लिए सेलेक्टेड था, जयपुर में हमारे सेमीफाइनल्स थे, तो हमें वहाँ पर जाना था जी। तो अब मैं जयपुर ही गया था, जयपुर में ही हमारा सेमीफाइनल था। इससे पहले भी आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, किस किस फील्ड में आपका अवार्ड? मेरे को पहले तो मॉडलिंग में ही मिले हैं एंड मेरे को एक फेसबुक पे छोटा सा क्या बोलते हैं कुछ लाइक इवेंट था, आई डोंट नो, फोटोजेनिक फेस कुछ ऐसा करके इन्होंने कुछ रखा था, तो वहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर दी थी, तो वहाँ पे भी मुझे एक अवार्ड मिला था और साथ में उन्होंने मेरे को एक सीन के लिए बुलाया था, छोटे से वीडियो सीन के लिए। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका, फ्यूचर में आपने कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट करना है? मैंने आगे का यही सोचा था कि अब मैं प्रॉपर अपनी बॉडी बनाऊंगा एंड उसके बाद मैं मिस्टर इंडिया के लिए फिर से जाऊंगा, ताकि मैं मिस्टर इंडिया जीत के आऊँ जी। अपनी बॉडी को फिट करने के लिए किस तरह की डाइट आप लेते हैं? मैं बहुत अलग सी डाइट लेता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ उस डाइट में। मैं सुबह लाइक पूरा प्रोसीजर बताऊँ क्या? हाँ बताइए। ओके, मैं सुबह कॉर्न्स लेता हूँ एंड उसके बाद मैं दोपहर में फ्रूट्स खाता हूँ एंड लंच में पूरा लेता हूँ, जितना भी खा सकते हैं। उसके बाद हम लाइक ग्रीन टी लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, डार्क चॉकलेट लेते हैं, रात को सूप पी के सो जाते हैं। तो कितनी प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है, जैसे मॉडलिंग के लिए आप हैं तो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितना कुछ उसमें आपको फेस करना पड़ता है?
ऑब्वियसली फेस तो बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जैसे हमारा कंपटीशन भी इतना सारा बढ़ गया, उसको देखते हुए भी हमें खुद को मेंटेन किस तरह से करना, किस तरह से स्ट्रगल करना, उस चीज़ का मैटर रहता है। बिल्कुल, मैं तो डबल टाइम वर्कआउट करता था, सुबह कार्डियो करता था, उसके बाद स्ट्रेंथ गेम करता था अपनी, तो आई थिंक स्ट्रगल तो रहता है। अब हम घर पे आते थे, घर पे देखते थे गुलाब जामुन एंड ऑल सब कुछ होता था, बट हम सब कुछ छोड़ के हम कुछ नहीं खाते थे। मैं तो रात को, यार मेरे पापा इतने ज़्यादा स्वीट्स के मतलब शौकीन है, तो मैं तो कुछ भी नहीं खाता था, बट स्टिल अगर नहीं खाया तो उसका फल भी है आई थिंक। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको बेस्ट फेस लुक का भी अवार्ड मिला हुआ है, मुझे बताइए जिस तरह से गर्ल्स होती हैं वो अपने चेहरे पे काफ़ी सारा मेकअप होता है या उसको अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है, बॉयज़ किस तरह से करते हैं? बॉयज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस एक स्माइल ही बहुत होती है फेस। चलो मुझे बताइए जिस तरह से आज का यूथ जो है वो नशे की ओर जा रहा है, आपका किस तरह का मैसेज रहेगा उन सभी के लिए? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आप इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपना जो जोश है, जो आपकी लगन है, वो आप जिम में करिए, और अगर आपको किसी कोई गेम्स करनी है या स्विमिंग, बड़ी सारी गेम्स हैं, बहुत सारा कुछ है, आपको कोई भी फील्ड में जाना है वहाँ जाइए, बट इन सब मतलब इन सब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी हमारे माध्यम से देख रहे हैं जो अगर मॉडलिंग फील्ड में आना चाहता है, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे? मॉडलिंग फील्ड में मैं स्पेशली चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को मतलब कि गर्ल्स को भेजें, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स की बहुत कमी होती है। जितनी भी हमारे हम जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, हम वहाँ पे 95 to 100 थे लड़के सिर्फ, एंड लड़कियाँ वहाँ पे 30 to 40 थी। तो आई थिंक कि गर्ल्स को थोड़ा सा और बकअप होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज से ही बड़ा बनता है इंसान। तो आई थिंक गर्ल्स की कमी इस वजह से भी होती है क्योंकि लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली, आपका क्या कहना है इसका? बिल्कुल, लोगों की इस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तक हम खुद उस जगह पहुंचेंगे नहीं, उस जगह जाएंगे नहीं, उस जगह को फेस नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो फील्ड अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसा आपने कहा उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो वैसे ही अब मैं भी चाहता हूँ कि ये जैसे जितने भी सोचते हैं ये सब चीज़ें कि ये लड़की है ये वहाँ जाके ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी गया था यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आजकल तो वैसे भी गेज बहुत ज़्यादा रहते हैं आई थिंक, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब सोचते हैं कि नहीं ये बिगड़ जाएगा वहाँ जाके, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। मैं भी गया हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि सभी अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपका रहा, काफ़ी स्ट्रगल भी आपको करना, और कई चीज़ें आपको सीखने को भी मिली। बिल्कुल जी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सीखने को मिली, जैसे कि मेरे को नए नए फ्रेंड्स मिले, मेरे नए नए बॉन्ड्स बने, टीचर्स थे जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, जो चीज़ मैंने आज तक कभी समझी या सोची तक नहीं थी वो भी मुझे उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा भी होता है। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, लास्ट में फिर से वो आपका कोई भी आप उन्हें प्यारा सा सॉन्ग जो है डेडिकेट कर दीजिए। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ये गाना उन सब के लिए है। ठीक है। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, एक गहरा राज बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। थैंक यू सो मच वरुण हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और बहुत सी बातें जिस तरह से आपने मॉडलिंग के रिगार्डिंग बताई, उस फील्ड के रिगार्डिंग बताई उसके हमारे साथ बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ जुड़े थे वरुण गुप्ता, काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया, काफ़ी अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।